अभी वापस नहीं लगा। मैं हूँ ना सस्ता माउस, यहाँ पे जाऊंगी और पता नहीं फ्री का माउस, फ्री का सस्ता भी चलता है, सस्ता फिर भी थोड़ी इज्जत हो जाती है। इट्स फ्री का जॉली दिखा, किसका फोन था? 15 में फोन हो गया। तूने वैसे तो मुझसे कट कर दिया था। मैं ठीक है, ठीक है, नाउ आई रिमेंबर। चिंदी लोग हैं यार ये लोग, क्या कर सकते हैं। तू लगा ना जाके तेरे दोस्त से। ये सब ठीक है। ये जब मैंने देखा था आई वाज लाइक फिल्म फेयर एंड ऐसा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पहले कभी हुआ बट हम लोग को नहीं पता चला या जो भी, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि फिल्म फेयर में इंडियंस एंड पाकिस्तानी एंड यू नो इस तरीके का कुछ हो रहा था, बट ये मिडिल ईस्ट का था। हाँ तो अपन ने भाई कभी ये नोट ही नहीं किया रहेगा कि ऐसा एक अवार्ड शो अलग से है, क्योंकि हम हमेशा टीवी वाला फिल्म फेयर देखते हैं, बाहर नहीं जाते, वो घर पे बैठ के वही देखते होंगे। बचपन में तो मैंने हिंदी वाला सलमान खान का काउंटडाउन देख लिया है, सलमान खान न्यू ईयर पर डांस कर रहा है देख लिया है, बस न्यू ईयर हमने फिलहाल हमने पार्टी करना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत लोकी पार्टी, इस बार अपन अच्छी वाली पार्टी करने वाले, याद है ना? तो कोल्ड ड्रिंक पी भी गए पार्टी करेंगे। चालू करते हैं, दिस इज भारती सिंह। बहुत एक्साइटिंग है, मुझे लगा जाने जा रही हूँ भारती सिंह। मैं तुम्हारी सही आई हूँ, भारती है, मतलब हम इतने एक्साइटेड है। आई थिंक शी इज अ जेम, वो इतनी अच्छी है, जॉली है। आई डोंट थिंक उनके जैसी कोई भी होगी, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यू नो उनके रैंडमली भी क्लिप्स होते हैं ना जब वो रिपोर्टर्स के साथ भी टाइम पास कर रही होती, इतना फनी साथ, एंड वो लाइन मेंटेन करना उनकी स्पेशलिटी है। शी नोज ये लाइन है मुझे यहाँ तक करना, और यहाँ तक वो सुपर फनी होते हैं, सुपर फनी, सो नेवर हैज टू क्रॉस दैट लाइन। वो इतनी इमोशनल, इतनी प्यारी, आई थिंक उनके अंदर वो इमोशन, उनको चार बार मतलब उनको रोना तो यू आ रहा है यार उनका। चलो ठीक है, आई थिंक लेट्स स्टार्ट, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे हम, भारती को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। और हमारी सीट के साथ बस क्या कर रही है, फास्ट बोल रहे Hi guys, you're watching NB Reviews. वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। उनको जाता है जो पिछले साल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा था, जो पाकिस्तान के सबसे जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर है मायूस सईद। अस्सलाम वालेकुम दुबई, नमस्ते, गुड इवनिंग, थैंक यू फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट इस इज्जत के लिए। 25 साल से काम कर रहा हूँ और अभी तक आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इसमें आप सब लोगों का प्यार है, उसके साथ साथ 25 साल से मेरी बीवी भी एक ही है, उसका भी प्यार है, उसकी दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों की जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस इवेंट का जो कमाल है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ
भारतीय एक्टर्स ही नहीं है बल्कि उनके साथ पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं। और मेरे ख्याल से जब ये पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर्स जब मिलते रहते हैं तो इसका असर आवाम पे भी पड़ता है और आवाम में भी मोहब्बत पड़ती है। I have to say, you know, with due respect to all our beautiful Bollywood actors and actresses who have been present here, this guy is the pride of Pakistan. Make some noise for him, guys. चलिए सर, मैं तो वैसे भी मैं आज पूरा सर्च किया मैंने आपको, आपकी फिल्म भी सर मैं लंदन नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? वीजा नहीं लगा था या रानी के साथ आपकी बनती नहीं थी? मेरी उससे पहले एक फिल्म थी, पंजाब नहीं जाऊंगी। कोई रोसता था ना सर, मैं लेके जाऊंगी पंजाब। वो जरा कामयाब हो गई तो मैं जरा लालची हो गया, तो मैंने सोचा मैं अब लंदन नहीं जाऊंगा, बनाऊंगा। अब तो ना डरिए, अब तो वो मंडी नहीं है। आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हमें बड़ा दिल करता है भाई कि हम पाकिस्तान में जाके खाना खाएं। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी हमें भूख नहीं लगती, हम यूट्यूब में सिर्फ फूड के चैनल लगा के पाकिस्तानी देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम जाएं खुले में घूमो। आप भी आए, आपका भी वेलकम करें। लेकिन आपकी आने वाली फिल्म और सीरियल्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस भाई, अब नहीं कहना मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लंदन। नहीं नहीं, मैं इंडिया भी जाऊंगा। यस, चलिए एक बार पाकिस्तान भी आएंगे। यस, इंतजार कर रही है कि कब वीजा खुले और वो वहां पहुंचे। क्या तुम कहा मिठी भाई कॉलेज के सामने वो खाती हो ना और वो महेश लंच होम में वो मुझसे ज्यादा इसको पता है। क्या बात है, मैं आप जब आएंगे मैं आपकी खातिरदारी करूंगी। जहाँ पे उन्होंने बहुत सही कहा कि जब ऐसे हम लोग मिलते हैं तो इफेक्ट और लोगों पे भी पड़ता है, बिकॉज उन लोगों को पता है कि वो किस लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस पे है कि लोग उनको देख के लिटरली फिर वैसे ही सोचते हैं एंड वैसे ही वो लोग और अपने आप को भी करते हैं। ही इज एक्चुअली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज हमने जितना उनके बारे में जाना है, वो जो जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मतलब यू नो कितने लोगों ने क्या क्या कॉमेंट्स किया था कि वो एक्चुअली चेंज लाना चाहते हैं, वो बहुत डेडिकेटेड है इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाने के लिए। सो ग्राउंडेड, आई नो, आई लव इट। उनका विजन कितना आगे हो गया यार। या 25 साल से काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो जो चीजें करी अपने लाइफ में, उन्होंने जो जो मेहनत करी अपने इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए, मुझे याद आ रहा है जब अपन ने वो गेस्ट है एज वाला किया था और अपन उनको देख के और पता चले 50 ऐसा, ये 50 है उसके में को याद नहीं है। I guess, अरे यार 25 years से ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, it was something close to 50 as far as I remember. 40s में कुछ याद है, maybe. भाई तो इनका मेन जो ग्राउंडेड वो रहता है ना एक नेचर, वो देख के इतना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। मिठी भाई वाली बात वहां तक कैसे पहुंची, मतलब कैसे पता है उन्हें? आई थिंक व्लॉग्स में सब देखते हैं आज के टाइम, क्योंकि उन्होंने बात करी कि हम खाने का एंड ऑल, तो उन्होंने भी बात करी कि हम मिठी भाई मैं लंदन नहीं जाऊंगा। आई थिंक भारती इज सो गुड, उनको स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, उनको छोड़ो कहीं पे भी, वो कहीं भी कॉमेडी कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल है यार वो। किसी से भी आई गेस यू नो, जैसे ये क्राउड वर्क और सबके वीडियोस आते हैं, अगर ये क्राउड वर्क पर डर गए ऐसा वाला सबको छुट्टी कर देंगे, ओ गॉड, फुल हाउस रहेगा वहाँ पे इतना भरपूर। यार भारतीय हर्ष पधारे, मतलब आप लोग को बता रहे हैं कि हर्ष उनका हस्बैंड है, वो दोनों की जोड़ी भाई, भारती छोड़ती नहीं हर्ष को, अरे लेफ्ट राइट लेती है यार हर्ष की, बहुत नेक्स्ट लेवल है, खतरनाक सच्ची यार, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों। उनको देख के ऐसे लगता कि कैसे, हाउ, मुझे नहीं पता था इट्स जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, मुझे लगा इट वाज मोर लाइक सब थोड़े और भी एंड ऑल सब होंगे, लेकिन आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड इज हैपनिंग, या इवन आई फील सो, बिकॉज सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैंने कोई अवार्ड शो नहीं देखा है, ना कभी कोई क्लिप, ना मे बी इंटरनेशनल होते जो होते हैं वो टिफिन ऑल टाइप्स होते हैं, अलग हुआ बताया, वरना अभी मैं अज्यूम कर रही थी और भी होंगे इंटरनेशनल डिफरेंट। भारती सिंह हिंदी में कर रहे हैं, मुझे तो तभी वो हम लोग इसके और वीडियोस देखते हैं, अपन अभी देखते हैं, अगर लोग और बोलेंगे तो वो भी बात, हमें एंट्रीज इतनी। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा जब मैं ये वीडियो ओपन करी थी, उसके नीचे रिकमेंडेड था, तो अपने आप प्ले होने लगता है ना,
उसके अंदर जानवी और इसका सजल का हग था, सो क्यूट, बिकॉज ये दोनों बहुत क्लोज है एंड इनके बारे में पहले भी बहुत सारी चीजें रीड की थी. बिकॉज श्रीदेवी एंड सजल, तो जब वो मूवी शूट हो रही थी तब श्रीदेवी इनको काफी बार घर पे लेके जाते थे सजल को, तो एक इंटरव्यूज उन्होंने कुछ कुछ देखा हुआ था जिससे ये पता चला कि दे आर वेरी क्लोज, लाइक जानवी एंड ऑल का बहुत ऐसे घरेलू टाइप रिश्ता है. तो उनका वो हग इतना प्योर लगा था, मुझे यार देखना है, लेकिन मैंने देखा नहीं. I already like them individually, but इतना ज़्यादा for the जानवी को तो मैं फिलहाल बहुत देखती, तो मुझे बहुत पसंद आ रही है. Main thing is इन लोग से सीखने के लिए one thing is इतने grounded, इतना you know natural रहना, raw रहना, जो feel कर रहे हैं बस वैसे express करना, to be happy and to be you know all expressive. लेकिन इन लोग की life actually बहुत difficult है, इतना हर जगह से criticism and all. I love जानवी के dad ने कहा था अभी बॉनी कपूर ने कि उनको जानवी को हमेशा कंपेयर किया जाता है श्रीदेवी के साथ. तो उन्होंने कहा था श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री से पहले इतने मूवीज किए थे हंड्रेड्स एंड ऑल में, तो तब आपने उनको उनके बेस्ट पे देखा, तो डोंट कंपेयर जानवी को उनके साथ. जानवी इज डूइंग वेरी वेल, मुझे अच्छी लग रही है यार, होकर उनके मीम्स होते हैं, लेकिन आई लव हर. ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं.